तो आप देखोगे कि यहां पर बताया जा रहा आप लोगों को शिक्षण के प्रकार, ध्यान देना, शिक्षण के प्रकार में जब भी कभी पूछे कि उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार का शिक्षण, तो तीन, बस बताओ कितने, तीन। स्तर या लेवल के आधार पर कितने प्रकार के शिक्षण, कितने, तीन। समय, तीन। शासन प्रणाली के आधार पर, तीन। स्वरूप के आधार पर, तीन। शैक्षणिक क्रियाओं के आधार पर, तीन। जितना भी बोले भैया तीन मार दो। जी, वो आपको हम पूरा बताने का काम करेंगे कि वो तीन तीन में कौन है और कैसे याद करने का काम करे। इसीलिए लास्ट क्लास आपने पढ़ा होगा, मुझे याद है आपको हमने बताया था लास्ट क्लास, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया दिख रहा जी, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया हमने कहा था बाद में बताएंगे, वो समय आ गया। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मतलब सब में तीन तीन कंडीशन ही आपको दिखेंगे। तो देखो यहां पर आप देखोगे अब शिक्षण के आधार पर अगर फोकस करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं, चलिए तो ये कभी भी इसको याद रखने का ना, तो इसको ऐसे ही याद रखोगे, सीधा सा बात है। त्रिध्रुवीय बोले तो त्रिभुज के रूप में, अब सीधा बोल दे कि बता उद्देश्य के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार के शिक्षण, तीन। तो तीन पॉइंट है दिख रहे हैं, तो तीन, तो कौन कौन सा उसको यहां पुटअप करना आप लोगों को। तो आप देखोगे भावनात्मक, देखोगे बोले तो देखो ज्ञानात्मक, ठीक है, तो ज्ञानात्मक बोले तो कॉग्निटिव, भावनात्मक बोले तो अफेक्टिव, और उसके देखो मनोगत्यात्मक, तो मनोगत्यात्मक बोले तो साइको मोटर, साइको मोटर। समझ मारे जी क्या कहना चाह रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपके क्वेश्चन में उद्देश्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन शिक्षण के प्रकार है या नहीं, तो आपका ये तीन देगा, ऐसे एगो दे देगा स्मृति, एक दे देगा निरंकुश, एक दे देगा वर्णात्मक। तो बोलो ये सब होगा या नहीं, नहीं होगा, आया समझ में? तो याद करो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार, उद्देश्य के आधार पर। तो आपको ऐसे याद रखे ना, ठेठ भाषा में याद रखे, पढ़ा पढ़ा जैसे याद करो नहीं याद रहेगा, ठेठ भाषा में याद करो। ठेठ भाषा में याद करोगे क्या, तो आप बताओ शिक्षण क्यों ले रहे, ज्ञान के ले रहे कि नहीं, अब पूरा भावनात्मक का खेला है कि नहीं, आप भावना में ज्यादा बह जाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे, और उसके ये क्या पूरा मनोगत्यात्मक वाला बात है कि नहीं, बात हो गया खत्म, आपको याद हो गया। तो याद रखो ज्ञान भावना गत्यात्मक, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, आपको जैसे याद रखना रहती है, फील कीजिए। अब वही आप देखोगे अगला लेवल के स्तर पर अगर फोकस कर दे, किसके स्तर पर, लेवल के स्तर पर, बोले तो स्तर के आधार पर, तो स्तर के आधार पर स्मृति अवबोध है ना जी, अवबोध और चिंतन। तो स्मृति मेमोरी, अवबोध बोले तो अंडरस्टैंडिंग, चिंतन बोले तो रिफ्लेक्टिंग। हम बोलेंगे हाँ जी मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूं क्या उससे आप लोग भली भांति अवबोध हो चुके हैं, मीन्स अंडरस्टैंडिंग हो चुके हैं, मीन्स समझ चुके हैं क्या, ये लेवल है। आप समझोगे कब, जब आपकी मेमोरी अच्छी होंगी, तो पहला कौन, दूसरा कौन, अब वो चिंतन बाद में बता। आप जब छोटे थे तो क्या शुरू से चिंतन करने लगे हो क्या, चिंतन कौन लोग करते हैं जो अनुभवी होते हैं, बड़े बड़े लेखक ये सब देखोगे वो सब चिंतन चिंतक होते हैं, ठीक है। तो चिंतन कब आती है, ये एक स्टेप है। तो बता कभी भी बच्चा को बोलो समझ कर याद करो, नहीं करेगा वो रट जाएगा, रट जाएगा तो क्या, दो दो दिन चार तिया जो भी रट जाएगा। लेकिन अभी आप लोगों को देते हैं तो पहले आप उसको समझते हो कि नहीं समझते हो, क्या उसमें चिंतन करते हो कि नहीं करते हो। तो ये हमारा लेवल है, लेवल है क्या, स्मृति अवबोध चिंतन। तो क्या रटने की जरूरत पड़ेंगे,
नहीं अब क्वेश्चन पूछ दे कि स्तर के आधार पर कौन शिक्षा के प्रकार है या नहीं, तो ये तीन के अलावा जो भी दे दे वो नहीं होगा। हाँ वो नहीं होगा, हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखोगे शासन प्रणाली के आधार पर, शासन प्रणाली के आधार पर तो देखोगे निरंकुश, उसको यहां से देते हैं निरंकुश, ऑटोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक, हस्तक्षेप रहित शिक्षण है ना, लेस इज फेयर, जो भी रहे इंग्लिश में आप देख सकते हो। तो इसको याद रखिए। अब ये बताइए कि क्या शिक्षण में भी शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण मिलता है कि नहीं? बाप दादाओं से पूछोगे तो दादाजी बोलो अरे हम लोग का छरी होता था कांटा जैसा छरी, मारता तो चुभ जाता था। अच्छा कांटा जैसा एक बिछौना होता था उसमें लेटा के मारा जाता था। तो बताइए शिक्षा पहले क्या निरंकुश टाइप के होते थे कि नहीं, बोले जी। और लेकिन अब प्रजातांत्रिक टाइप का है कि नहीं? तो प्रजातांत्रिक बोले तो प्रजा के अनुसार, तो यहाँ प्रजा तो स्टूडेंट ना हो गया जी, और तंत्र बोले तो स्टूडेंट के अनुसार। हस्तक्षेप रहित, कोई हस्तक्षेप करता है क्या जी? बोले 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 नहीं, तो नहीं। तो यहाँ पर शासन पे फोकस कीजिए ना, पहले के राजा निरंकुश होते थे कि नहीं, अब प्रजातांत्रिक है कि नहीं, कोई हस्तक्षेप करता है क्या? नहीं करता। हाँ अगर नहीं अच्छे से काम करे तो हस्तक्षेप करे। तो राजा महाराजा को याद करके आप याद करने का काम कर चुके। नेक्स्ट स्वरूप के आधार पर, तो स्वरूप के आधार पर कैसा होना चाहिए? तो वर्णात्मक, कैसा होना चाहिए जी? वर्णात्मक मतलब डिस्क्रिप्टिव, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो वर्णात्मक पढ़ा रहे हैं ना जी, वर्णन करके पढ़ा रहे कि नहीं, डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहे कि नहीं, अब बीच बीच में उसका निदान करते हैं कि नहीं, डायगोनिस्ट करते हैं कि नहीं, डायगोनिस्ट निदानात्मक समझ रहे ना जी, किसी बात पर पूरा चर्चा करते निदान करते हैं इसको कैसे सोल्व करे नहीं करे, और उसके बाद उसका उपचार भी करते हैं। बताओ जैसे मैथ वाले क्लास में आपको पूरा लंबा मेथड बताए थे कि नहीं बताए थे? यस सर। तो पहले वर्णात्मक बताए थे कि नहीं? यस सर। लेकिन इसको बोले कि क्या इतना लंबा मेथड इससे बनेगा, इसका कोई शॉर्ट इजी मेथड नहीं है क्या? तो पर निदान की कि नहीं, और उच्चार कर दी कि नहीं? तो ये सब आप कल को टीचर प्रोफेसर बनोगे तो ये सब बहुत जरूरी है कि आपका शिक्षण का स्वरूप कैसा होना चाहिए। शैक्षणिक क्रियाओं के आधार पर, तो शैक्षणिक क्रियाओं के आधार पर अगर देखोगे तो ये बताइए, देखो शैक्षणिक क्रियाओं के आधार पर है ना जी, तो शैक्षणिक क्रियाओं के आधार पर पहला प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, आप ही लोग आए तो हम अपने आप को प्रेजेंट किए कि नहीं? Yes, प्रदर्शन, डेमो दिखाए कि नहीं? Yes, क्रिया एक्शन में आ गए कि नहीं? Yes, तो हम याद करने बोल रहे हैं जी, मगर उसको फील कीजिए, देखिए काम हो गया। नेक्स्ट लास्ट इसका है शैक्षणिक प्रबंध व्यवस्था के आधार पर मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है, चाहे वो फॉर्मली हो, औपचारिक हो, अनौपचारिक हो या इनफॉर्मल हो। बस ये छह जरूर त्री जो तीन तरह के हो गए, कभी भी इससे क्वेश्चन है तो तीन प्रकार के जरूर मारने का काम, रिपीट करना, बार बार रिवीजन करना, नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे शिक्षण के चर और उनके कार्य।